तो फाइन ऑर्गेनिक्स पर क्या कहना चाहेंगे? फाइन ऑर्गेनिक्स इज फाइन फॉर द मोमेंट, तो आप इतना समझ लें कि फिलहाल ठीक ठाक है, हायर लो का पैटर्न बना हुआ है और बेस ऑन बेस के पैटर्न को मैं बहुत अच्छा पैटर्न मानता हूँ, कोई तो दिक्कत नहीं है। बाकी कंपनी के बारे में बहुत अंदर से मैं अभी नहीं कहना चाहूँगा, इसलिए कि आपने मेरा व्यू ओवरऑल सेक्टर पे तो सुन ही लिया है, मेरा व्यू बहुत कंफर्टेबल नहीं है ये समय में। तो जब इसके सेक्टर पे साथ व्यू बहुत अच्छा नहीं है तो फिर इस पे दांव लगाना चाहिए अभी, या बेहतर विकल्प देखना अच्छा नहीं, रहेगा? फाइन फाइन ऑर्गेनिक्स क्या है ना कि इनके परफॉर्मेंसेस मैं थोड़े से क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहा था, परफॉर्मेंस अभी तक ठीक है, तो विद इन सेक्टर अगर ठीक कर रहा है तो थोड़ा इसको हो सकता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट या रिलेटिव बेटर वैल्यूएशन मिल जाएगा, बट ओवरऑल सेक्टर टेलविंड नहीं रहता है तो वो तो प्रॉब्लम रहेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फाइन ऑर्गेनिक्स पे मैं सेक्टर पे व्यू मेरा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फाइन ऑर्गेनिक्स में थोड़ा पैटर्न यही कह रहा है कि हो सकता है इसमें ट्रेडिंग गेम बनने के चांसेस हो 5,300 400 500 के रेंज में, और अभी ये चल रहा है 4,700 के आसपास, तो यहाँ से आप समझे कि 20-1% वाला रन तो रह जाता है जो कि ट्रेडिंग गेम में मिल सकता है। फाइन ऑर्गेनिक्स में आपको दिक्कत तभी होगी जब ये स्टॉक 4,400 के नीचे क्लोज होना शुरू होगा, उसके पहले कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये ट्रेडिंग गेम के हिसाब से अगर प्ले रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सेक्टर पे व्यू मैंने बहुत क्लियरली समझाया है और मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड सेक्टर बनेगा। अभी पहले कॉस्ट मार्जिन की प्रॉब्लम से झेल रहा था साल 2 साल, अब उसके बाद डिमांड का इश्यू साल भर से झेल रहा है, उसके बाद एक्सपोर्ट डिमांड बहुत ज़्यादा गिरने का प्रॉब्लम झेल रहा है, चाइना अपनी इकोनॉमी पे फुल फोकस कर रहा है, उसकी इकोनॉमी में अगर फिर ग्रोथ आ गई वहाँ पे भी जो उनका बिजनेस इधर डाइवर्ट होता तो स्ट्रेटजी की नेचर नहीं हुआ, फाइनली मैनेजमेंट अग्री कर चुके हैं, तो बहुत ऐसा सेक्टर टेलविंड नहीं है हमारे पास केमिकल में बहुत ज्यादा बुलिश होने का, ट्रेडिंग गेन से ज्यादा मुझे नहीं। जी, लेकिन इनके बिक्री मुनाफे के आंकड़ों पर ही एक बेसिक रूप से ध्यान दें तो पिछले 3 साल में इसने अपना टर्नओवर काफ़ी बढ़ाया है, मुनाफा इनका काफ़ी बढ़ा है, लेकिन ये जुलाई अगस्त सितंबर वाली तिमाही जो इस साल की रही है, मतलब 2022 वाली, उसमें कहीं पर जाकर के इनकी बिक्री टॉप आउट होती हुई दिख रही है और उसके बाद से ये इनकी बिक्री घट रही है, मुनाफा भी घटा है। ये क्या हुआ है? हाँ देखिए, इसका जो सेल्स है वो ठीक ठाक है, इम्प्रूविंग है, कोई टॉपिश अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत टॉप आउट हुआ है। हाँ दूसरी चीज़ की ये नहीं, कि अभी जैसे जुलाई सितंबर वाली तिमाही में 919 करोड़ रुपए की सेल्स थी, उसके बाद अगली तिमाही में सीधे घट के 760 रह गई, अगली अभी मार्च वाली तिमाही में लगभग 600 के आसपास रह गई। हाँ, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप इसका सेल्स देखेंगे ना तो थोड़ा सेल्स इंपैक्टेड है, मैं तो कह रहा हूँ डिमांड का इशू है इस सेक्टर में, डिमांड का ही इशू है। देखिए मार्जिन वाला आप अगर इसका इशू देखेंगे तो ये रिजॉल्व हो चुका है, आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेशन ऑपरेशनल जी, मार्जिन देखिए, इसमें पहले पिछली मैंने तिमाही कोई, मार्जिन का काफी रिकवर हो गया। हाँ तो मैंने पहला जो 1 साल पहले जाए जिसके पहले केमिकल सेक्टर में हम सब केमिकल खरीद रहे थे, हमने हमेशा केमिकल से बाहर रहने की बात की, कारण क्या तो समझाया था। अब देखिए हम 1 साल पहले तक मार्जिन इशू डिस्कस कर रहे हैं, वहां के बाद हम इसके डिमांड को समझने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी हमने पोजीशन नहीं लिया, समझ ही नहीं आ रहा तो हम पोजीशन क्या लेने वाले, डिमांड रिवाइव नहीं हो रहा, अभी डिमांड रिवाइव होने का चांस दिख रहा था, उसके बाद आपको एक्सपोर्ट पे बहुत बड़ा इशू आ गया है, आधे आधे गिरने लगे, तो अभी डिमांड का प्रॉब्लम है तो सेल्स का प्रॉब्लम तो रहेगा ही ना, वो टॉप लाइन पे अभी इंपैक्ट रहेगा, मेरे ख्याल से ये 2 क्वार्टर तो आराम से रहना चाहिए, उसके बाद इवैल्यूएट। जी, तो अभी निष्कर्ष क्या है कि निवेश नहीं लेकिन ट्रेडिंग बेट लगाया जा सकता है? लगा सकते हैं क्योंकि मैं सेक्टरल स्टॉक स्पेसिफिक देख रहा था, मोस्टली देखे तो एसआरएफ के अलावा अगर देखा जाए तो बाकी के लोग वैल्यूएशन प्राइस कट ही दे रहे हैं, उसके अलावा तो और किसी चीज में मुझे दिखा नहीं, मैं जो ब्रोकर्स की बात कर रहा हूँ, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैं जी, इस लेकिन सेक्टर से कंप्लीटली आउट, तो ट्रेडिंग अपने एस सेक्टर में ही सबसे कम वैल्यूएशंस वाले जो शेयर हैं उनमें से एक है। हाँ करेक्ट बात, लेकिन वही मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए सेक्टर टेलविंड नहीं रहेगा तो आपको वैल्यूएशन प्रीमियम जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, और यहाँ पे वही दिक्कत है। हालांकि अच्छा कर रहा है कंपनी, ठीक ही कर रही है, वैल्यूएशन बहुत एबनॉर्मल भी नहीं है लेकिन जेन्युइन ठीक है, इंडस्ट्री एवरेज के आसपास ही है। जी,